वक्त ख्वाहिशें और सपने हाथ में बंधी घड़ी की तरह होते हैं, जिन्हें हम उतार कर रख भी दें तो भी चलती रहती हैं। दोस्तों, बाहर से सुलझे हुए दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। जिंदगी की राह पर चलने के लिए हर राह की चाल को समझना पड़ता है। कभी कभी खुशियों को पाने के लिए बहुत ज्यादा तड़पना पड़ता है। कभी जिंदगी को निखारने के लिए खुद को बिखरना पड़ता है। कभी जिंदगी में ना चाहते हुए भी अपनों से तक बिछड़ना पड़ता है। दोस्तों, किसी जवाब का ना आना भी एक जवाब ही है। कभी कभी जिंदगी में वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। कभी हमें अपने सवालों के जवाब तक नहीं मिल पाते, लेकिन ऐसी परिस्थिति भी एक जवाब ही है। बस आपको धैर्य से काम लेना है। समय भी बदलेगा, परिस्थिति भी बदलेगी, हर सवाल का जवाब भी मिलेगा और वो सब हासिल होगा जो आप प्राप्त करना चाहते हो। बस आप अपना धैर्य मत खोना और अपने सपनों का पीछा करना मत छोड़ना, प्रयास करते रहना। कहते हैं, निंदा और नींद पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य के प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की आपके प्रति राय बदल जाती है। जिंदगी में इतना काबिल तो बन ही जाना कि भगवान किसी गरीब की मदद करने के लिए आपकी जेब का इस्तेमाल करें। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त मत करना, क्योंकि परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो बदलेगी जरूर। दोस्त, आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन जहां पर हो वहीं से एक नई शुरुआत कर सकते हो और अंत को बदल सकते हो।